सैंड पेपर गेट के बारे में आपने मैंने बहुत अच्छे से सुना, उस पर बहुत तबशरा भी हुई। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को बैन भी किया गया। लेकिन अब कैमरन बैनक्रॉफ्ट से जब पूछा गया, क्या आपको पता था या मतलब किसी और को भी पता था, क्या गेंदबाजों को पता था, सो ही जस्ट ड्रॉप द हिंट। अब इसका मतलब क्या है? क्या उस मैच में खेल रहे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को भी उस बारे में पता था या नहीं पता था? वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। और फैंस इंडिया पे आज हमारी डिबेट हो रही है ओपन माइक में कि अगर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आईपीएल होता है तो वो किस देश में होना चाहिए, विच इज आइडियल। एंड माय ट्रिविया का क्वेश्चन आज आपके लिए है कि कौन सा पहला इंसान था, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। सोचो सोचो किसने बनाई थी सबसे पहले ओडीआई डबल सेंचुरी। हैशटैग आकाशवाणी। सोचा आपने किसने बनाई थी पहली डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट? कुछ याद आता है? जॉग योर मेमोरी, थोड़ा सोचिए, यू माइट फाइंड एन आंसर, पर बाद में बताऊंगा। उससे पहले जरा कैमरन बैनक्रॉफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, देखिए मैं जब खेल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टीम के लिए कुछ कर रहा हूं। और हम सबको ये लगता है, टू बी ऑनेस्ट, आप युवा खिलाड़ी होते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, टीम कहती है आप ये कर लीजिए, आप वो काम कर देते हैं। कई बार वो गलत भी होता है एथिकली, मतलब आपका दिल नहीं भी मान रहा होता कई बार, और लेकिन फिर आप कहते हैं इट्स ओके यार, मतलब टीम के लिए सब कुछ है, मैं मतलब मेरे से पहले मेरी टीम आती है, मेरे कप्तान ने कहा, वाइस कप्तान ने कहा, वी आर गोइंग टू डू इट। अब दुख हुआ उनको इस बात का कि मेरे से गलती हुई, एक एरर ऑफ जजमेंट थी उस समय की। पर जब उनसे ये पूछा गया क्या बाकियों को पता था, क्या गेंदबाजों को पता था, तो उन्होंने कहा कि आई मीन दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या है, क्या उनको पता होगा? एंड्रू फ्लिंटॉफ का एक मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ी मजेदार बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा, देखिए अगर आप भी मुझे, मतलब इतने साल हो गए मुझे क्रिकेट को छोड़े हुए, लेकिन आज भी अगर आपने मुझे कोई गेंद थमाई हाथ में तो गेंद को देखते ही बता दूंगा कि इसके ऊपर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ है। आई मीन बॉल टेम्परिंग एक ऐसी चीज है जो जिसने क्रिकेट खेली है, जिसने गेंदबाजी की है, उसको बॉल हाथ में आते पता चल जाता है कि ये जो एक तरफ से रफ की गई है साइड, एक तरफ से शाइनिंग ज्यादा है, अब ये नेचुरल है या फिर इस पर कुछ काम किया गया है। काम करने का अर्थ है आप सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाखून का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो शाइन ज्यादा और रखी है ना साइड, उस पर भी आप कभी मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मिंट वाला जो सलाइवा होता है, बड़ी अच्छी चमकती है उससे बॉल, या फिर आपने वैसलीन लगाई है, कुछ तो आपने किया है जो जैसे ही आप पुरानी वो 50-40-50 ओवर पुरानी गेंद पकड़ते हैं ना, पकड़ते आपको एहसास हो जाता है। तो फिर हुएवर इज सेइंग कि भैया हमें तो नहीं पता था, देखिए इन तीनों ने किया, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, इज एक्चुअली जस्ट लाइंग थ्रू हिज टीथ, ये एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कहा है। और मैं उनकी बात से पूरी सहमति रखता हूं, क्योंकि जब ये टीम मीटिंग होती है ना, तो ये डिसाइड होता है कि कौन आपका डेजिग्नेटेड बॉल शाइनर होगा, जो बॉल को अच्छी तरह से शाइन करता है। ऐसा खिलाड़ी अमूमन बल्लेबाज होता है, ताकि उसके ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। अमूमन वो मिड ऑन के आसपास कहीं फील्डिंग करता है, सबसे पहले गेंद उसके पास पहुंचाई जाती है, उसके हाथ में अमूमन पसीना कम आता है कि भाई कम पसीने वाला है, फट करके अच्छे से शाइन करेगा। और अगर ये प्लान किया गया है कि कोई और चीज हम इस पे लगाने वाले हैं, तो वो भी टीम के एक प्लान का हिस्सा होता है। व्हेन आई वाज प्लेइंग, हम सब लगाया करते थे यार, आई एम नॉट गोइंग टू शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मूवमेंट होती थी, मिंट होती थी, अच्छे से मेंटोस खाओ और अच्छे से गेंद को चमकाओ, आई मीन बड़ी अच्छी चमकती है बॉल यार, और फिर बॉल स्विंग होती थी। अब बॉल मैंने तो डालनी नहीं है ना, कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने डालनी थी, लेकिन आप बॉल क्यों शाइन करते हैं? ताकि आपके गेंदबाजों को मदद मिले, ताकि बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाए। अब इसमें एक हल्का सा लोचा है, लोचा यह है कि आज से पहले जब हम खेला करते थे, तब तक आईसीसी ने वो मिंट को लेके कोई रूल नहीं बनाया था कि आपके मुंह में मिंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चमका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बाद में समझ में आई कि अरे तो मिंट से अच्छी शाइन होती है, तो आप कह दिया कि जो बॉल शाइन करने का जिसका काम है ना, उसके मुंह में मिंट नहीं होनी चाहिए। आई मीन अगेन इट्स अ वेरी ग्रे एरिया इन माय ओपिनियन, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि वो मिंट खाए या ना खाए, कब उसने थूक लगाई नहीं लगाई, आई मीन देयर इज जस्ट टू मच ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड व्हाटएवर। पर सच, अंत का सच तो यही है, मतलब 100 बातों की एक बात तो यही है कि अगर आपके हाथ में बॉल आती है और अच्छी अच्छी रिवर्सिंग, कभी बाहर जा रही है, कभी अंदर जा रही है, आपका नाम मिचेल स्टॉक है, पैट कमिंस है, जॉश हेजलवुड है, और आपको पता नहीं चल रहा कि ये बॉल पे काम हुआ है, तो फिर इधर आप मतलब फ्लिंटॉफ ने तो एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा या तो फिर आप मतलब यू बीन चीटेड कि आपको बिल्कुल टीम में कोई घास ही नहीं डालता है, मतलब इस तरीके के आप गेंदबाज है जिसको पताता ही नहीं है कोई कि भाई तेरी बॉल हमने एकदम से बना के दिया आपको और आपको कुछ पता नहीं है, मतलब इतना तो वो इनोसेंस भी नहीं हो सकता है, इज वॉट एंड्रू फ्लिंटॉफ सेड, एंड आई एम विद हिम पर्सनली। मुझे लगता है कि अकेले आदमी का ये काम होता नहीं, पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व होती है, और उसके अंदर गेंदबाज तो सबसे पहले होते हैं, क्योंकि अगर किसी को फायदा होने वाला है तो वो गेंदबाजों का होने वाला है। तो फिर किसी दिन तो somebody will spill the beans, somebody will tell us कि ये टीम के वो एक प्लान का हिस्सा था, मे बी जब ये जो करंट क्रिकेटर्स हैं जब ये रिटायर होंगे तो शायद किताब में लिखेंगे यू नो व्हाट हम सब ने मिलकर बनाया था, उसमें कोच को भी पता था यार, आई मीन समथिंग इज गोइंग टू कम आउट इवेंचुअली। पर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने ये बात तो साफ कर दिया कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि
पता तो सबको था, मतलब खामियाजा हमने भुगता है, मतलब हमारे हमारे सर पे ठीकरा फोड़ दिया गया है, और जबकि फायदा भी किसी और को हो रहा था और मतलब नॉलेज में भी था। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील, दैट इज वेयर आई स्टैंड विद रिगार्ड्स टू दैट सैंड पेपर गेट इंसिडेंट। पर जरा आप चलते हैं फैंस इंडिया की तरफ और पूछते हैं, उन्होंने एक्चुअली आपस में पूछने का प्रयास किया है कि कहाँ होना चाहिए आईपीएल का बाकी वाला हिस्सा, द रिमेनिंग आईपीएल 31 ऑड गेम्स ही कहाँ हो सकती है, विच विल बी द आइडियल कंट्री टू होस्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आईपीएल। हेलो, मैं हूं राहुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से, और आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएल की जो रिजम्पशन होनी है वो कहाँ होगी, किस कंट्री में आईपीएल की दोबारा से शुरुआत होगी। तो मृदुल, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहेंगे आप, कहाँ हो सकती है आईपीएल? मुझे लगता है यूएई में होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि T20 वर्ल्ड कप भी वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो अगर आईपीएल उससे पहले पहले उधर हो जाए तो लॉजिस्टिकली काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ की पिच भी अच्छी है और लॉजिस्टिकली प्लेस होल्डर है वो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर वहाँ पे। तो T20 वर्ल्ड कप अभी यूएई में होगा कि नहीं होगा इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, बट अगर वहाँ होता है तो लॉजिकली इजी हो जाएगा कि वहीं पर आईपीएल करवाया जाए। मंजुल, आपके क्या व्यूज है, क्या लगता है? अगर लॉजिस्टिक की बात करें तो इंग्लैंड भी एक ऑप्शन है, क्योंकि इंडियन टीम काफ़ी देर तक वहाँ रहेगी, इंडियन प्लेयर्स होंगे, इंग्लिश प्लेयर्स आईपीएल में बहुत खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी एक्सेस के लिए वहाँ आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भी एक विंडो मिल सकती है जहाँ पर आप आईपीएल खेल सकते हैं। इंग्लैंड भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक अच्छी ऑप्शन है। इंग्लैंड काफ़ी महंगा पड़ेगा, वहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर है उसको ले जाने के लिए भी काफ़ी कॉस्ट महंगा होगा, और जो इंग्लैंड टूर है उसके ब्रॉडकास्टर और जो हमारे आईपीएल के ब्रॉडकास्टर हैं वो अलग अलग हैं, तो हो सकता है वहाँ शायद कुछ दिक्कतें आ जाएं। आपका क्या कहना है विकास, आपकी ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है इस अगर सिनारियो को देखा जाए तो श्रीलंका भी बुरी ऑप्शन नहीं होगी, कि श्रीलंका में और इंडिया जैसी ही कंडीशंस हैं, हाई स्कोरिंग रन्स हैं, तो आईपीएल में आई थिंक लोग यही देखना पसंद करते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम्स हों और लोगों को अच्छा लगे, तो मैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका भी एक लॉजिकल ऑप्शन है, वहाँ पर चार ग्राउंड है जहाँ पर मैच खिलाए जा सकते हैं, बट श्रीलंका में अभी कोविड सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, तो देखने की वाली बात होगी कि श्रीलंका में खिलाया जा सकता है कि नहीं। मनमीत, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है राजू, आईपीएल को इंडिया में ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ही पैदाइश है और इंडिया में ही रहना चाहिए आईपीएल को। ठीक है, 6 महीने का भी टाइम है हमारे पास अक्टूबर नवंबर तक, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि कोविड केसेस अंदर गिरेंगे अभी और हम आईपीएल को फिर से दोबारा इंडिया में ही शुरू करेंगे, और यही शुरू करना चाहिए। यही शुरू करना चाहिए, हमारी यही उम्मीद है कि इंडिया में कोविड के केसेस अंडर कंट्रोल हो जाएंगे और वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आईपीएल इंडिया में ही खिला दी जाएगी और वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होगा। और ट्रिविया का ये सवाल का जवाब जी बिल्कुल मजेदार है, आप सबको शायद लगा हो सचिन तेंदुलकर है, पर वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, ही वाज द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू डू सो। बेलिंडा क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए 269 रन बनाए थे वर्सेस डेनमार्क इन 1997 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप गेम 1997, यार 229 बना दिए थे, वो भी एक दिवसीय मुकाबला था। तो थोड़ा सा हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो फिर जब क्रिकेट की बात हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि भाई मेल ने क्या किया था, भाई सचिन ने बनाई थी पहली डबल सेंचुरी, ऑफकोर्स सचिन पाजी ने बनाई थी, पर उससे पहले बेलिंडा क्लार्क ऑलरेडी बना चुकी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेनमार्क के सामने। वाओ, डेनमार्क का वर्ल्ड कप का गेम था, बायलैटरल नहीं, वर्ल्ड कप के इवेंट में ये काम करना, सो वेल डन। जिन्होंने गेस किया था वो बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाए कल फिर मतलब परसों एक्चुअली, नाउ वी आर गोइंग टू कम मंडे वेंसडे फ्राइडे, और फिर जैसी दोबारा क्रिकेट शुरू होगी तो देन विल बिकम एन एवरीडे शो। अभी के लिए इतना ही, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि भैया आपको क्या लगता है, बैनक्रॉफ्ट अकेले उसमें इन्वॉल्व थे, ये सिर्फ स्टीव स्मिथ और वॉर्नर ही थे, मतलब जो गेंदबाज थे उनको कुछ नहीं पता था, डू यू एक्चुअली थिंक सो? पर्सनली आई डोंट। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। बॉल का साइज बड़ा, और रे वाह वाह वाह, क्या बात है, बल्लेबाज भी तो काफी बड़े हैं, गजराज। शॉर्ट बॉल, बढ़िया शॉट, 6 रन के लिए, ये दर्शक दीर्घा से भी दूर मारी है, वाह हाथी मेरे साथी, क्या बात है।